गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 11th of April 2023। कल डॉलर इंडेक्स पे अच्छा खासा एक अप मूव देखा गया, फ्रॉम 101.99 से 102.80 तक, अभी है 102.44। अभी हमें दो चीज देखना है जो हमने पिछले हफ्ते ही डिस्कस किया था। फॉर डॉलर इंडेक्स देयर आर टू रेजिस्टेंस लेवल्स। एक जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका 102.75 से 102.90 के बीच में, देन आपका है 103.50 से 103.75 के बीच में। पहला जो रेजिस्टेंस है उसके साथ एसोसिएटेड है सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड, व्हिच इज नथिंग बट द 20 पीरियड मूविंग एवरेज। अभी हमें देखना है कि डॉलर इंडेक्स क्या इस एरिया पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ आता है या इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है। आज कल बेसिकली 12th ऑफ अप्रैल को हमें देखना पड़ेगा। 12th ऑफ अप्रैल यूएस सीपीआई डेटा शाम को आने वाला है। उस डेटा के जो रीडिंग्स आएंगे उस रीडिंग्स के ऊपर डिपेंड करेगा क्या डॉलर इंडेक्स इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा या यहीं से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ चलना शुरू करेगा। सो आज और कल बिफोर यूएस सीपीआई डाटा एक साइडवाइज मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डॉलर रुपी पे कल फ्रॉम द बॉटम दैट इज एट 81.80 लेवल से अच्छा खासा बाउंस बैक किया और प्रोबेबली लोअर लेवल पे इनविजिबल हैंड्स बॉट गुड अमाउंट ऑफ डॉलर, बिकॉज ऑफ विच जो सेलिंग इंटरेस्ट था वहाँ पे एक पॉज आया एंड डॉलर रुपी आके रुका 81.95 के आसपास। एक छोटा सा नज़र देख लेते हो वीकली पे। वीकली जो है साइडवेज टू हल्का सा बियरिश लग रहा है, मंथली लेकिन अबोव 60 में है, अभी भी बुलिशनेस इस पे बरकरार है। सो डेली जो RSI है वो 40 पे सपोर्ट लिया हुआ है। जब तक 40 के नीचे RSI नहीं जाता है तब तक बाई डिप्स में भी कंसिडर्ड इन डॉलर रुपी। अगर समहाउ RSI बिलो 40 चला जाता है, जो आज और कल होगा नहीं, होगा भी तो कल यूएस सीपीआई डेटा के बाद ये RSI अगर जाता है नीचे बिलो 40, एल्स बाय डिप्स में भी कंसीडर्ड एंड एक साइडवाइज रेंज में भी देयर आपका 81.80-90 ऑन द लोअर साइड एंड 82.25-35 ऑन द हायर साइड, इस रेंज के बीच में ही आज और कल रहने का कोशिश कर सकता है। GBP डॉलर यहाँ पर भी अच्छा खासा पुल बैक आया है। जैसे कि लास्ट वीक का एनालिसिस देखोगे, जब GBP डॉलर इस लेवल पे था तब हमारा ये एक्सपेक्टेशंस था कि GBP डॉलर एक थोड़ा पुल बैक आ सकता है टुवर्ड्स द सेंटर बैंड। अभी एग्जैक्टली सेंटर बैंड पे नहीं आया लेकिन नज़दीक आ चुका है। अभी हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन को मॉनिटर करना है। प्राइस एक्शन को मॉनिटर करना है बोले तो आपका क्या ये सेंटर बैंड के नीचे 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे कंसोलिडेट करता है या नहीं, ये हमें विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है आज और कल थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा एंड विल ट्राई टू टेक सपोर्ट अराउंड 1.23। GBP INR पे भी सिमिलरली इस लेवल पे हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि ये पुल बैक करेगा टुवर्ड्स द सेंटर बैंड और यही हुआ है एंड यहाँ पे सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। अभी आज और कल कंसोलिडेशन एंड साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो सकता है एंड CPI डेटा कल शाम को, उसके बाद ही एक डायरेक्शन यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो डॉलर पे भी
आपका अच्छा खासा पुल बैक आया है टुवर्ड्स द सेंटर बैंड एंड अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है. सिमिलरली वी नीड टू वेट फॉर टुमोरोस यूएससीपीआई. तब तक यूरो डॉलर पे साइडवाइज एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यूरो आईएनआर पे भी सिमिलरली पुल बैक टुवर्ड्स द सेंटर बैंड और वही हुआ है. डॉलर येन पे अच्छा खासा पुल बैक आया है फ्रॉम द लो ऑफ 130.6570. कल एक अच्छा खासा उछाल देखा गया है क्योंकि नया गवर्नर ने कोई चेंजेस नहीं बताया. रेदर ही इज गोइंग टू कंटिन्यू विद द एंसेस्टर्स फुटस्टेप, यानी पहले जैसे पॉलिसी डिसीजंस लिए गए थे, जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस था उसी को मद्देनजर पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे. यानी देयर इज नो ड्रास्टिक चेंज इन पॉलिसी विथ इमीडिएट इफेक्ट. एंड उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस जोन है आपका 133.50 133.75 वहाँ पे आके रुका है. अभी ये इसके ऊपर जाएगा तो हमारा जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है आपका 136. येन आईएनआर आपका ये जो 31 मार्च का पिन बार था उसके लो के नीचे आ चुका है. दैट बीइंग द केस हमें अभी देखना है एक रेंज को, ये रेंज. प्राइस अगर इस रेंज के नीचे सस्टेन कर जाता है इन सच ए केस ENINR पे और थोड़ा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. क्या ये कल के लो के नीचे कंटिन्यू करेगा, फॉलो थ्रो प्राइस एक्शंस में दिखेगा, ये हमें देखना पड़ेगा. डॉलर कैंडी लो फ्रॉम द लो अच्छा खासा बाउंस बैक किया. इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस लेवल पे आपका प्राइस आके रुका है. क्या रेजिस्टेंस लेवल? 135 से 135.30 के बीच में. अभी उस रेंज पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, यानी प्राइस रिजेक्शन ऑन बोथ साइड्स. इसका मतलब क्या है? हाई के ऊपर ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन एंड लो के नीचे नीचे की तरफ सेल ऑफ. सो आज और कल मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ वॉलीटिलिटी नहीं होना चाहिए. एक बार USCPI आ जाएगा उसके बाद ही प्राइस आइधर नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा या ऊपर की तरफ. उसके लिए इसका हाई या लो बिकम्स वेरी क्रूशियल. ऑसी डॉलर जैसे कि एक रेंज में फंस गया, जो एक्चुअली रेजिस्टेंस था आपका 67.6725, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे अभी क्योंकि प्राइस अभी ऊपर में भी एक्सटेंड हो चुका है. सो आपका जो अभी रेजिस्टेंस हो जाएगा ये जोन नीचे 67.25 और ऊपर 67.85, ये जोन बिकम्स ए क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन. इन द मीन टाइम RSI जो है आप देखोगे बिलो 40 से 60 के तरफ जाके फिर दोबारा 40 के तरफ आ रहा है. आने वाले दिनों में RSI क्या 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाता है? इन सच ए केस यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और ये जो एक बॉक्स आप देख रहे हो ऊपर में 68 के आसपास एंड नीचे 65-75 के आसपास, ये जोन के अंदर में जब तक रहेगा प्राइस कंसोलिडेशन करता रहेगा. इसको अगर आइदर साइड ब्रेकआउट करना है तो नीचे के तरफ तोड़ना पड़ेगा या ऊपर के तरफ तोड़ना पड़ेगा. आने वाले दिनों में क्या ये हाई को तोड़ता है या लो को तोड़ता है उसको हमें नजर देना पड़ेगा. CNH ये जो 13th मार्च का जो मदर कैंडल का रेंज है उसी के अंदर में कंसोलिडेट कर रहा है विथ एन एक्सेप्शन ऑन 23rd of March. दैट बीइंग द केस जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट. अभी ब्रेकआउट किधर की तरफ देगा? मदर कैंडल का रेंज के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, ये हमें इंतजार रहेगा. As of now, ऐसा लग रहा है RSI is approaching 60. That being the case, there are higher possibilities के RSI 60 के आसपास
रेजिस्टेंस लेके नीचे के तरफ आ सकता है। सो क्या ये हायर एंड पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ आता है या हायर एंड के ऊपर चला जाता है? प्राइस अगर इस 6.9050 के ऊपर चला जाता है, इन सच केस RSI will also break above RSI 60. In such case, ऊपर की तरफ एक मूवमेंट हम देख सकते हैं। So as of now हमें पता नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं है कि ये ऊपर की तरफ भागेगा या नहीं। हमें इंतजार रहेगा प्राइस एज वेल एज RSI के ऊपर। UK ऑयल थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। आपका ये 3 अप्रैल का गैप अप ओपन के बाद अभी 84.32 है। सो प्राइस अगर बड़ा रेंज देखोगे ऊपर की तरफ 89, नीचे की तरफ 79, इसके अंदर में फिर दोबारा कंसोलिडेट करने का प्रयास कर सकता है। US 10-year ट्रेजरी आपका ये देखो 6 अप्रैल का एक पिन बार बनाया, पिन बार के हाई के ऊपर ऊपर की तरफ गया। इमीडिएट हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, एक है 6.48, दूसरा वाला है आपका 3.60। पहला वाला है 3.48, मैंने गलती से 6.48 बताया, क्षमा चाहता हूँ। एंड दूसरा रेजिस्टेंस है 3.61। क्या ये इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर जाता है या वापस इसके आसपास से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है, वो कहाँ पे डिपेंड करेगा अब बताओ? वो डिपेंड करेगा USCPI के ऊपर। सही बताया आपने। सो उसके बाद US 10-year ट्रेजरी सिमिलरली हमारे पास दो रेजिस्टेंस लेवल है, एक रेजिस्टेंस आपका है 4.03, दूसरा वाला है एक जोन 4.18 से 4.27 के बीच। पहला हमें इमीडिएटली क्या ये 4.03 के ऊपर या 4.04 के ऊपर कंटिन्यू करता है या यहीं पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है? अगर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस, इसमें कैसे प्राइस एक्शन बिहेव करता है वो हमें देखना पड़ेगा। इन द मीन टाइम जब डिफरेंस बिटवीन 10 ईयर एंड 2 ईयर इंक्रीज हो चुका है, अभी ये 57 बेसिस पॉइंट्स हो गया है, जो पहले आपका 45-47 बेसिस पॉइंट्स का था, अभी ये स्प्रेड बढ़ गया है। दैट बीइंग द केस हमें थोड़ा सा और इस डिफरेंस को मॉनिटर करना है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि USCPI की से पहले मार्केट थोड़ा सा कॉशियस है। क्या US फेड दोबारा क्वार्टर बेसिस पॉइंट हाइक करेगा एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ गाइडलाइंस दे आर गोइंग टू गिव? सो नेक्स्ट मंथ का बात है, सो उसका इंडिकेशंस USCPI के ऊपर रहेगा। सो इम्पॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर द वेरी क्रूशियल डेटा इज आपका कल का USCPI। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।